हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज 7.4। देखो ये सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही। मतलब यहाँ पर भी नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और ऊपर एक आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये उस तरीके से सॉल्व होगा। किस तरीके से? जैसे हमने वैसे उसको सॉल्व किया था वैल्यू पुट करके। लेकिन अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे आपको अंतर समझ में आएगा कि वो पैटर्न हमने वहां पे क्यों डिस्कस किया था। देखो क्या करना है, सिंपली आपको ए एज इट इज है डिफरेंशिएट करोगे, 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ठीक है, प्लस बी। मुझे पता है यहां तक कोई दिक्कत है कि देखो, तो सिंपली ऊपर वाली वैल्यू यहाँ लिखनी होती है और इस वाली वैल्यू का डिफरेंशियल लगा के ए कोई कांस्टेंट लेना है आपको और बी कोई कांस्टेंट लेना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा और यहाँ पर 2ax प्लस बी इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। अब आपको सिंपली इक्वेटिंग करना है, इक्वेटिंग द कॉफिशियंट ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट इक्वल। अगर मैं इक्वल रखता हूँ तो 2a की वैल्यू 1 हो गई, तो a की वैल्यू हाफ बचेगी, b की वैल्यू 2 हो गई सिंपली। यानी हमने क्या निकाला सर? हमने ये निकाल लिया कि x प्लस 2 जो है ना, उसकी जगह मैं a 2x प्लस b रख सकता हूँ। अब सर a का वैल्यू कितना, मतलब हाफ रख सकता हूँ a की जगह 2x प्लस बी। अब ये 2 से जो कट रहा है मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा अभी बताता हूँ। बी की वैल्यू, अच्छा बी की भी तो रखनी है वैल्यू, एक सेकेंड, बी की वैल्यू 2 रख दो आप, ये वैल्यू रिप्लेस कर दो एक्स प्लस 2 की जगह। आया कुछ समझ में? हाँ सर आ गया। अब देखो नेक्स्ट वाली स्लाइड पर, देखो ये जो वैल्यू थी इसकी जगह मैंने क्या पुट किया है यहाँ पे, देखो 1/2, एक मिनट, 1/2 2x प्लस 2 अपॉन रूट डॉट dx, ठीक है। अब इन दोनों को सेपरेट करो अलग अलग, इसके नीचे मान लिया इसको मैंने, ठीक है, और इसके नीचे इसको मान लिया। देखो यहां वाली जो कंडीशन है केवल इसमें मैं लेट कर सकता हूँ कंडीशन को, हाँ सर कर सकते हैं ना। इसके अंदर अगर मैं लेट करूं एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू, इसको पहले आई मान लो, एक काम करो आप, एक मिनट को इसको कुछ और सिंबल नेमिंग दे देते हैं अपन। इस पूरे को मैं I1 मान रहा हूँ और इस पूरे को मैं I2 मान रहा हूँ। अब I1 का सॉल्यूशन क्या होगा, ये हाफ है बाहर और ये 2 है, ठीक है। तो I1 के लिए बात करूँ, केवल इसकी बात कर रहा हूँ I1 के लिए, तो 2 को बाहर छोड़ो, इंटीग्रेट एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डॉट dx, लेट करो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू टी, 2x डॉट dx इक्वल्स टू dt हो गया, हुआ नहीं हुआ, 2x डॉट dx इक्वल टू dt, 2 नीचे जाएगा, x डॉट dx इक्वल टू dt बाय 2 बचेगा आपके पास। अब आप यहां से रिप्लेस कर सकते हो बिल्कुल, देखो 2 तो बाहर है और x डॉट dx की जगह क्या आ गया आपके पास, dt बाय 2, dt बाय 2। और यहां आप देखोगे नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वन की जगह मैंने टी मान लिया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये 2/2 बाहर हुआ, ये टी की जगह मैं यहाँ पर माइनस हाफ पुट कर सकता हूँ डॉट डी टी, उसे टू कैंसिल आउट हो गया, टी का हाफ माइनस हाफ है, इंटीग्रेट करेंगे तो प्लस वन एड होगा, तो टी की वैल्यू प्लस हाफ और नीचे प्लस हाफ प्लस सी वन, ऊपर जाएगा टी पे रूट लग जाएगा। अब टी की जगह मैंने क्या लेट किया था, देखो माइनस वन प्लस सी वन, ये देखो ये हो गया आपके पास आई वन की वैल्यू। क्लियर है यहां तक? मेरे हिसाब से यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आई टू को देखो, आई टू की वैल्यू है डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मेरे पास क्या, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी टू, ये आई टू का वैल्यू हो गया। यहां तक समझ में आया? अब आप दोनों की वैल्यू यहां पुट कर दो, यानी कि सिंपली आपको क्या करना है, इंटीग्रेट एक्स प्लस टू अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डॉट डी एक्स का आंसर क्या है मेरे पास सर? इसका आंसर है मेरे पास हाफ I1 प्लस टू आई टू, यही है, ठीक है सर। तो हाफ एज इट इज, I1 का वैल्यू देखो क्या है, I1 का वैल्यू है 2√1 प्लस सी वन, ये देखो ये वाला जो वैल्यू है ना एक्स स्क्वायर माइनस वन
ये यहाँ पे पुट हो गया, और प्लस टू आई टू का वैल्यू क्या है लॉग में, अरे यार फ्री वैल्यू यहाँ पे मायेगा नहीं, रुको रुको रुको, उसको साफ करके थोड़ा आगे से रखने दो उस वैल्यू। हाँ देखो टू आई टू का वैल्यू ये रहा, प्लस सी टू, ठीक है। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, सी वन प्लस सी टू को मिला के सी लिख रहा हूँ, तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है यहां तक? ये फाइनली आपका आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। थोड़ा सा आप क्या है इसको वापस से नोट डाउन करना अपनी कॉपी में, आपको समझ में आ जाएगा। दो स्टेप एक बार एक साथ यूज हुई, एक बार लेट वाली डिफरेंशिएट वाली, और एक मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीटेड।